नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं झारखंड धरोहर न्यूज और मैं हूं संजय। सावन महीने की पहली सोमवारी को लेकर बाबा अमेश्वर धाम सज धज कर तैयार है। सुबह 3:30 बजे से ही जल चढ़ा रहे हैं श्रद्धालु। 59 दिनों तक चलने वाले सावन के पहले सोमवार को अंगड़बाड़ी में शिव भक्तों का मेला उमड़ पड़ा है। पहली सोमवारी में ही काफ़ी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही शिव भक्त जलार्पण कर रहे हैं। पहली सोमवारी को लेकर अमेश्वर धाम में आने वाले हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के द्वारा देर रात से ही मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक इंतजाम एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला पुलिस, जेप और अन्य सुरक्षा बलों को तैनाती की गई है और पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की गई है। तोरपा, कर्रा, खूटी और मुरु थाना की पुलिस के अलावा महिला पुलिसकर्मियों को भी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों शांति व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। जगह जगह CCTV से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। अमेश्वर धाम समिति के सदस्य और प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भक्तों से आग्रह करते हुए पंक्तिबद्ध जलाभिषेक का अनुरोध कर रहे हैं। बनई नदी से स्नान कर पवित्र जल लेकर देर रात पैदल ही अमेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। धाम स्थल से बनई नदी तक पूरा बिजली की सुविधा दी गई है। धाम परिसर में भक्तों के लिए दर्जनों दुकानें सजा दी गई है। तो वही रांची से पैदल आ रहे शिव भक्त ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रतन महतो हुआ। कहाँ से आ रहे हैं आप? रांची से आ रहे हैं। रांची से आ रहे हैं, क्या चीज से आ रहे हैं? वहाँ से पैदल आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं, कब निकले थे आप? कल सुबह 7 बजे निकले थे। अच्छा, तो ये खुट्टी में रात को रुक गए थे, रात हो गई थी। तो अच्छा, तो अमेश्वर धाम पहले भी आए हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं? पहले आए हैं लेकिन पूजा करने नहीं आए हैं, पहली बार आ रहे हैं अभी। क्या कुछ कहिएगा यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में बहुत ही अच्छा है, ये बाबा का धाम बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत ही खींच के लाया बाबा हमको यहाँ, बहुत ही अच्छा है। आपको आने में कोई दिक्कत हुआ? आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको। अच्छा, नहीं। समिति के कार्यालय के पास अवश्य पधारें।